हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन बिफोर यू वॉच द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन एंड मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? व्हेन मोर देन टू ऑर्बिटल्स एंड मोर देन टू एटम्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। जब दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स और या दो से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो उसको मल्टी सेंटर बॉन्डिंग कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे डाइबोरेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये डाइमर होगा BS3 का। ओके फ्रेंड्स, तो BS3 का होल्ड वाइस भी लिखा जा सकता है इसको। अब जो BS3 है वो मोनोमर है, BS3 मोनोमर है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और SP2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगी फ्रेंड्स हमें कि B2S6 को लिया हमने, सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय मिथाइल से सब्सटीट्यूट कर दिया यूजिंग डाईमिथाइल सल्फेट, तो B2S2 Me का होल 4 बना, Me2SO4 हुआ फ्रेंड्स। फिर दोबारा रिएक्शन कराई तो जो दो हाइड्रोजन बचे हुए थे वो दो हाइड्रोजन भी Me से रिप्लेस हो गया, तो 2MeBMe3 बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि B2S6 में, दैट इज आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन, B2S6 के 6 हाइड्रोजनों में से 4 हाइड्रोजन का सेट डिफरेंट है और 2 हाइड्रोजन का सेट डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन है। अब है स्ट्रक्चर प्रपोज। अब हम स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं कि B2S6 का स्ट्रक्चर ये रहा होगा फ्रेंड्स, ये B हो गया, ये इधर ये ब्रिज हाइड्रोजन, 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं और 4 इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो B हो गया वैलेंस शेल में 2P1 होता है, तो 2S और 2P1। अब मैंने इसको है एक्साइट करवा दिया मॉलिक्यूल को, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया, तो यह डाइमर हो गया। दो बोरोन का ले रखा तो ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं डिनोट करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ये कौन से ब्रिज वाले हाइड्रोजन हो गए, तो ये दो हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या है 1 और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, और ये साइड वाले ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये कंक्लूजन निकला कि B2S6 में 2C2 इलेक्ट्रॉन यानी H टर्मिनल और 3C2 इलेक्ट्रॉन H कौन से हो गए फ्रेंड्स, ब्रिजिंग, H ब्रिजिंग। तो जो टर्मिनल के हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, तो ये स्ट्रॉन्गर हो गए, तो स्ट्रॉन्गर और रिप्लेसेबल हो गए, और बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया इनका ब्रिजिंग वालों का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम इसको 3D में डिनोट करते हैं, तो दो बोरोन ये हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हाइड्रोजन ऊपर हो गया और ये हाइड्रोजन नीचे हो गया, और ये हाइड्रोजन ऊपर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का। ओके फ्रेंड्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात होती है तो इसका 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 2C2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, इसका भी 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका हाफ होगा और इसका 1 होगा, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर फ्रेंड्स कितना हो गया, होल B2S6 में 6 आ गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके फ्रेंड्स, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2C2 इलेक्ट्रॉन इज 1 एज देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कार्बन, एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3C3 इलेक्ट्रॉन इज हाफ एज इट इज शेयर्ड बिटवीन 3 सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल 2। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि जब इसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो टर्मिनल बॉन्ड ही क्यों ब्रेक होते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स, तो हम देखते हैं कि टर्मिनल बॉन्ड ही क्यों ब्रेक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि द टर्मिनल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन जो टर्मिनल, देखिए वैसे तो टर्मिनल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ब्रिज बॉन्ड से, क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बट हाउएवर टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर इजीली रिप्लेसेबल बिकॉज द रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। फ्रेंड्स, जो रिएक्शन होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, इन रिप्लेसिंग ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन 1 ओवर द ओवरलैपिंग जोन इज टू बी ब्रोकन। कि जब रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, तो जब रिएक्शन अगर टर्मिनल हाइड्रोजन की तरफ से हुई
कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको एक एक ऑर्बिटल जोन ही ब्रेक करना पड़ेगा और लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट्स वाई टर्मिनल बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो बी और बी में ये जो बॉन्ड बने 3C2E के, तो इनको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, फादर बॉन्ड भी कहते हैं, टो बॉन्ड भी कहते हैं, ये इस नाम से जाने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलीमराइजेशन अगर होगा तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, पॉलीमराइजेशन को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए बट वीक और नो बैक बॉन्डिंग नहीं होने चाहिए। ऑन कूलिंग पर पॉलीमराइजेशन होगा एंड हाई मोलिकुलर मास अगर किसी स्पीशीज का है तभी पॉलीमराइजेशन अकर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, AlCl3 का मैंने एग्जांपल लिया है। AlCl3 फिलहाल ये मोनोमर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब अगर मैं AlCl3 का होल ट्वाइस, मतलब अगर मैं इसका डाइमर लेने की कोशिश कर ले रहा हूँ मैं, तो Al हो गया, ये Cl हो गया, ये दो ब्रिजिंग हो गए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये ClCl, तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स। अब अगर इसकी वैलेंस शेल की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो sp3 हो गया। अब AlCl3 का होल ट्वाइस यानी AlCl3 का डाइमर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, तो ये ना ही लुईस एसिड होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है, ये sp3 हो गया, ये 3p हो गया, 3p हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये नॉर्मल बॉन्ड्स हो गया जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब ये क्लोरीन के जो वेल लोन पेयर हैं, ये ही शेयर्ड बाय एल्यूमिनियम। ओके फ्रेंड्स, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी। ये फ्रेंड्स 1, 2, 3, 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2, 4। ओके फ्रेंड्स, 3 सेंटर, बोरोन में हमने पढ़ी थी 3 सेंटर 2e की बॉन्डिंग, और यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टी सेंटर भी दो टाइप से होती हैं, 3c2e की बॉन्डिंग होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 + 1/2 = 1 होगा, और यहाँ पर अगर 3c4e की बात करें तो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1+1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, AlCl3 का होल्ड, तो इसका मैंने एग्जांपल लिया, तो 1 1 1 1 1 बॉन्ड ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 8। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं B2S6 और AlCl3 का होल्ड, तो इसमें 3C2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग B2S6 में हुई फ्रेंड्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 6 आया, और AlCl3 का होल्ड, तो इसमें 3C4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई, 8 आया। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं BeCl2 का। BeCl2 एक मोनोमर है। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसकी लीनियर ज्योमेट्री है और sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम इसका डाइमराइजेशन करते हैं। BeCl2 को डाइमराइज करा। ओके फ्रेंड्स, डाइमर मतलब दो बार मरा। अब इसको पॉलीमराइजेशन हो गया इसका, तो BeCl2 का होल एन हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, BeCl2 का अगर मैं ज्योमेट्री की बात, तो लीनियर ज्योमेट्री हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन के मिलकर ये बना रहे हैं 180 डिग्री के एंगल पर, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑन बेरिलियम, तो ये लुईस एसिड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इसका डाइमर की बात कर रहे हैं, तो वही जो हमने पहले करा था, एक क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये 3c4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो गई ये वाली, और ये टर्मिनल होगी 2c2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे आए, 2 और 2, तो 2, 4, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अभी भी ये क्या है, 1, 2, 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑन बेरिलियम, तो अभी भी ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट इज लुईस एसिड हो गया, तो फुल्ली प्लेनर हो गया और सिंगल प्लेन में हो गया। ओके फ्रेंड्स, BeCl2 का मॉलिक्यूल, 2 का होल्ड हो इसका मॉलिक्यूल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका पॉलीमर की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब अगर जो मिडल वाली होगी, अब देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्रेंड्स। अगर इसके पॉलीमर की बात कर रहे हैं BeCl2 के, तो अब इसका जो पॉलीमर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ना ही एक प्लेन में होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अब कंप्लीट ऑक्टेट, अब ना ही ये लुईस एसिड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, और ना ही प्लेनर होगा, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है AlCl3 का होल थ्राइस का, पूरे का होल ट्वाइस। तो एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3s और 3p। अगर इसको एक्साइट कराया, तो ये कूद के इधर आ गया, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब CH3 का रेडिकल है, तो CH3 कार्बन के वैलेंस शेल में 2p2 होता है, तो 2p2 को एक्साइट कराया, तो 2p3 हो गया,
और ये तीन हाइड्रोजन आ गए और इसका जो ये रेडिकल है वो इधर आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम यहाँ हो गए, ये एक CH3 का रेडिकल हो गया, इससे कंबाइन करेगा, ये CH3 के रेडिकल से कंबाइन करेगा, तो जो एल्यूमिनियम की होगी देखिए फ्रेंड्स, दो चार चार और दो छः, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये लुईस एसिड हो गया। अब अगर बीच वाले की बात कर रहा हूँ तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, 3 सेंटर हो गए फ्रेंड्स और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3C2E की बॉन्डिंग हो गई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो ये एस कैरेक्टर यहाँ पर मोर होगा और यहाँ पर एस कैरेक्टर लेस होगा, ये CH3, ये एल्यूमिनियम। ओके फ्रेंड्स, ये टर्मिनल बॉन्डिंग होगी और ये ब्रिजिंग बॉन्डिंग होगी। तो फ्रेंड्स वो ये पूछता है कि Al, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ये ऐसे पूछता है कि Al CH3 का होल थ्राइस का पूरे का होल थ्राइस में 3C2E के बॉन्डिंग बताइए कि कितने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रिजिंग बॉन्ड हैं या 3C2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग के नंबर्स पूछता है। ओके फ्रेंड्स, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसी वाले एग्जांपल में अगर कार्बन, हेयर कार्बन ऑफ ब्रिज CH3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन की बात करता हूँ तो 3, तो 2 हाइड्रोजन के हो गए और +2, तो जो 2 एल्यूमिनियम के हो गए, तो इक्वल्स टू 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कार्बन का। ओके फ्रेंड्स, तो इन मल्टी सेंटर बॉन्डिंग में कार्बन कैन इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी, कोवेलेंसी इंक्रीज कर लेता है कार्बन। हेयर कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, ओनली नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज, केवल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करता है कार्बन। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रिजिंग एटम, तो ब्रिजिंग एटम में क्वेश्चन आया था कि डाइमराइजेशन पावर का ऑर्डर लगाने को क्वेश्चन आया था, तो नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक्स माइनस की सबसे ज्यादा डाइमराइजेशन पावर होगी, एक्स में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन माइनस की होगी, हाइड्राइड की होगी, फिर पीएच माइनस की होगी, फिर एमई माइनस की होगी। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 3C4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन में 3C2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज है, अच्छे से फिट हो जाएगा, और फिनाइल में 3C2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी, लेस हो गया हाइड्रोजन से, हाइड्राइड से लेस होगा, क्यों, बिकॉज ड्यू टू लार्ज साइज, बट एमई माइनस यानी मिथाइल से ज़्यादा होगा, बिकॉज मोर देन, मतलब ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण मिथाइल से ज़्यादा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, है दोनों में 3C2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग, बट मिथाइल से ज़्यादा होगा ड्यू टू रेजोनेंस, और हाइड्रोजन से, हाइड्राइड से कम होगा ड्यू टू लार्ज साइज। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स डेट्स इट फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन एंड मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।